Hello dear students, good morning to everyone. In today's session, we are going to discuss the different methods of taking out quantities in detail. But before starting our content, we should know what is meant by taking out quantity. So, the procedure by which quantities of various atoms in a particular structure or workout is known as taking out quantities. किसी भी structure की different atoms के लिए quantity निकालनी है तो उसके लिए एक standard procedure रहती है. तो वो different atoms में आपको excavation से लेके footing work, concrete work, brick work, आरसीसी वर्क, प्लास्टर वर्क, वुडन वर्क एटसेट्रा, जो कि ऐसे एटम्स ऑफ वर्क की उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है. तो उसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को हम टेकिंग आउट क्वांटिटीज कहते हैं. एवरी कंट्री हैज डेवलप्ड इट्स ओन मेथड फॉर टेकिंग आउट क्वांटिटीज by establishing suitable conventions. और हर एक कंट्री ने क्वांटिटी निकालने का अपना अपना मेथड डेवलप किया है as per their suitability. The aim is same, but the ways, their assumptions are different. So let's see different methods of taking out quantities. Methods of taking out quantities. So as we know, mainly there are two methods of taking out quantities. First one, English method, and second one, PWD method. So one by one, we will discuss these methods. First one, English method. English method of taking out quantity is used military engineering services of the government of India. Therefore, it is briefly outlined here. The quantities of the various atoms are worked out on a measurement sheet or dimension form, and then quantities of identical atoms are grouped together and written on an abstract form. अलग अलग आइटम्स की क्वांटिटी निकालने के बाद उसे मेजरमेंट फॉर्म में या डायमेंशन फॉर्म में फिल किया जाता है और उसके बाद जो आइडेंटिकल आइटम्स है, जैसे कि सेम साइज के डोर्स एंड विंडोज, सेम साइज के रूम का फ्लोरिंग, सेम साइज का रूम है उसका प्लास्टरिंग, तो ये आइटम्स आइडेंटिकल है तो उनका ग्रुपिंग किया जाता है और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में फिल किया जाता है. सो इन इंग्लिश मेथड फॉलोइंग स्टेप वी हैव टू अडॉप्ट इट, दैट इज टेकिंग ऑफ, ग्रुपिंग एंड बिलिंग. तो टेकिंग ऑफ मतलब क्या है? जो भी डायमेंशन मेजर करने के बाद आपको उसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ती है तो उसको टेकिंग ऑफ कहते हैं. उसके बाद जो भी आपके आइडेंटिकल आइटम्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, और बिलिंग में जो ग्रुप किए हुए आइटम्स हैं उनको उनके रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट मिलती है, और उसके बाद जो भी ग्रुप किए हुए जो आइटम्स हैं तो उनको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपको फिल करना पड़ता है. मतलब बिलिंग में ग्रुप किए हुए आइटम्स को रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालनी पड़ती है. सो वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन. The measurement form
और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेकिंग ऑफ शीट और डायमेंशन शीट इज अ फुल साइज पेपर एंड टैबुलेटेड एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल्स. सो देयर आर फोर कॉलम्स इन दिस टेबल सच एज फर्स्ट टाइमसिंग कॉलम, सेकेंड डायमेंशन कॉलम, थर्ड स्क्वेरिंग कॉलम एंड फोर्थ डिस्क्रिप्शन कॉलम. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस डिफरेंट कॉलम्स. सो फर्स्ट वन टाइमसिंग कॉलम. व्हेन एन आइटम व्हिच हैज बीन बुक्ड प्रीवियसली अकर्स अगेन और फॉर दैट मैटर इट अकर्स नंबर ऑफ टाइम्स, सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द डायमेंशन इट इज टाइम्स्ड. इट इज टाइम्स्ड. अगर मेजरमेंट शीट में आइटम्स के डायमेंशन फील करने के बाद वो आइटम फिर से रिपीट होता है या बार बार रिपीट होता है तो उसके डायमेंशन रिपीट करने की जगह टाइम्स्ड किए जाते हैं. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक एन एग्जांपल. देयर आर 8 इंटरनल डोर पैनल्स इन अ फ्लैट, 4 फ्लैट्स इन अ ब्लॉक, 30 ब्लॉक्स ऑन अ साइट एंड देयर आर 5 साइट्स. सो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल इंटरनल डोर पैनल. वी हैव टू कैलकुलेट इंटरनल डोर पैनल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम दैट इज इंटरनल डोर पैनल. आफ्टर दैट दिस इंटरनल डोर पैनल हैविंग साइज 3 feet by 7 feet. तो यहां पे इंटरनल डोर पैनल की जो साइज है तो वो है 3 feet by 7 feet. तो इसको हम डायमेंशन कॉलम में कैसे पुट करना है? वर्टिकली. यहां पे 3 और यहां पे 7. तो ये इंटरनल डोर पैनल का डायमेंशन है. अभी टाइमसिंग कॉलम में रिपीट क्या क्या हुआ है? ऐसे 8 इंटरनल डोर है एक फ्लैट में, ऐसे 4 फ्लैट है एक ब्लॉक में, ऐसे 30 ब्लॉक है एक साइड पे और ऐसी 5 टोटल 5 साइड है. तो इसको कैसे लिखने का? तो इसको टाइमसिंग कॉलम में लिखते हैं 8 इंटरनल डोर पैनल इन अ फ्लैट पब्लिक 4 फ्लैट इन अ ब्लॉक पब्लिक 30 ब्लॉक ऑन अ साइट एंड लास्ट वन देयर आर 5 साइट्स. सो इन दिस वे वी हैव टू राइट द टाइमसिंग कॉलम विच इज रिपीटेड. सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल डोर फॉर द 5 साइट्स विच इंक्लूड ब्लॉक्स, फ्लैट एटसेट्रा. सेकेंड डायमेंशन कॉलम. इन द डायमेंशन कॉलम द लेंथ, द ब्रेथ और विड्थ एंड हाइट और डेप्थ आर रिटन इन सीक्वेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन.
तो जैसे कि हमें पता है IS 1200 में बुकिंग ऑफ डायमेंशन का एक क्लॉज रहता है, बुकिंग ऑफ डायमेंशन का क्लॉज रहता है, तो वहां पे तो डायमेंशन कौन से सीक्वेंस में होना चाहिए वहां पे मेंशन किया है, जैसे कि लेंथ, पहले तो लेंथ चाहिए, उसके बाद ब्रेड्थ या विड्थ चाहिए, उसके बाद हाइट या डेप्थ चाहिए। तो इसी तरह आपको यहां पे डायमेंशन एंटर करना है, बट यहां पे आपको ये सीक्वेंस में वर्टिकल डायरेक्शन में आपको सेकेंड कॉलम में, दैट इज डायमेंशन कॉलम में इसको मेंशन करना है। जैसे कि हमारे डोर पैनल का जो साइज था 3 फीट बाय 7 फीट, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपको यहां पे लिखना है। नेक्स्ट वन स्क्वेरिंग कॉलम। इन द स्क्वेरिंग कॉलम द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द फिगर्स इन द टाइम्सिंग कॉलम एंड डायमेंशन कॉलम। तो स्क्वेरिंग कॉलम में आपको जो भी टाइम्सिंग कॉलम में जो डायमेंशन आए हैं या डायमेंशन कॉलम में जो भी फिगर्स आए हैं, तो उसको वहां पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहां पे टाइम्सिंग कॉलम में आपने फिगर्स नंबर्स मेंशन किए हैं, जैसे वो रिपीट हुए हैं उस तरह से, और डायमेंशन कॉलम में आपने वो पर्टिकुलर के डायमेंशन पुट किए हैं। तो स्क्वेरिंग कॉलम में जो भी टाइम्सिंग कॉलम में जो फिगर्स आए हैं और डायमेंशन कॉलम में जो फिगर्स आए, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको स्क्वेरिंग कॉलम में करना है, जो कि आपको टोटल क्वांटिटी यहां पे वो आइटम की देता है। तो कैलकुलेटर पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम्सिंग कॉलम में जो फिगर्स है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 4 × 30 × 5, और डायमेंशन कॉलम में जो भी फिगर्स है उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 7। तो ये आपको स्क्वेरिंग कॉलम में लिखना है, 100.8 × 10³। तो ये आपकी क्वांटिटी यहां पे मिलती है। तो ये क्वांटिटी आपको यहां पे मिलती है। लास्ट वन, डिस्क्रिप्शन कॉलम। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू विच डायमेंशंस अप्लाई। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स शुड बी कंसिडर व्हाइल एंटरिंग द डायमेंशन। जब आप इंग्लिश मेथड से क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हो, तब जब आप डायमेंशन एंटर करना है तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो उनको आपको कंसिडर करना जरूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डायमेंशंस ऑन द आर्किटेक्ट ड्राइंग आर इन फीट एंड इंचेस। द मेजरमेंट्स आर बुक्ड इन फीट एंड इंचेस। द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू पुट अ डॉट सेपरेटिंग फीट फ्रॉम इंचेस एंड टू अवॉइड द यूज ऑफ और साइन एटसेट्रा। तो जैसे कि हमें पता है आर्किटेक्ट ड्राइंग में जो भी डायमेंशन रहते हैं तो वो फीट और इंचेस में रहते हैं, उसी तरह से मेजरमेंट शीट में आप जब डायमेंशन एंटर करते हो तब उनको फीट और इंचेस में ही पुट करना चाहिए। और इंग्लिश मेथड में फीट और इंचेस को सेपरेट करने के लिए
उन दोनों के बीच आपको डॉट देना पड़ता है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो ये क्यों करते हैं? टू अवॉइड द यूज ऑफ और साइन एटसेट्रा। तो ये अवॉइड करने के लिए और साइन, ये वर्ड्स वहां पे अवॉइड करने के लिए आप फीट और इंचेस के बीच में डॉट देते हो। फॉर एग्जाम्पल 9 feet 6 inch वुड बी रिटन एज 9.6। सो हियर द डॉट इज नॉट अ डेसिमल पॉइंट। तो यहां पे 9 feet 6 inch को कैसे लिखेंगे? 9.6। और ये जो डॉट है तो ये डेसिमल पॉइंट नहीं है। सेकेंड, अ लाइन इज ऑलवेज ड्रॉन आफ्टर इच मेजरमेंट। तो सेकेंड पॉइंट है, हर मेजरमेंट के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो डायमेंशन कॉलम में आपको ये मेजरमेंट इंटरनल डोर पैनल का है, तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन द यूनिट्स सच एज क्यूब्स, सुपर एटसेट्रा। द नंबर्स ऑफ डायमेंशन इन द मेजरमेंट्स बीइंग एन इंडिकेशन ऑफ द सेम। तो इंग्लिश मेथड में आपको डायमेंशन का यूनिट मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे जो डायमेंशन है उनका नंबर है तो वही इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर आप डायमेंशन कॉलम में दो ही फिगर्स हैं 3 और 7, जैसे आपने इंटरनल डोर पैनल का डायमेंशन था, तो वो स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो वो सुपरफिशियल आइटम है। मतलब वहां पे दो डायमेंशन दिए हैं और उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। सिमिलरली अगर वहां पे 3 डायमेंशन दिए हुए हैं डायमेंशन कॉलम में, जैसे कि 3 by 4 by 6, तो ये क्यूबिकल कंटेंट हो गया, तो उसको हम क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फीट में उसको मेजर करेंगे। अगर वहां पे एक ही डायमेंशन दिया है तो वो उसका लीनियर मेजरमेंट होता है, या तो फिर वो क्वांटिटी रनिंग फीट में मेजर करते हैं या रनिंग मीटर में। लास्ट वन, द डायमेंशन आर सेट डाउन इन द फॉलोइंग ऑर्डर: लेंथ, विड्थ और ब्रेथ, डेप्थ और हाइट। तो एज पर IS 1200 वहां पे एक क्लॉज दिया है बुकिंग ऑफ डायमेंशन में, तो आपके डायमेंशन का जो सीक्वेंस है तो वो लेंथ, विड्थ, डेप्थ या हाइट ऐसा रहना चाहिए। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सो दिस इज अबाउट द इंग्लिश मेथड।